रवि अग्रारी ब्लॉक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों को सिद्धार्थ नगर के बारे में बताएंगे कि सिद्धार्थ नगर का नाम सिद्धार्थ नगर क्यों रखा गया, और सिद्धार्थ नगर सिंह नाम कोई और भी रख सकते थे लेकिन सिद्धार्थ नगर ही क्यों रखा गया। तो अगर आप देखेंगे तो जो हमारे बुद्ध जहाँ हमारे बुद्ध जो बुद्ध महात्मा थे उनकी जन्मस्थल भी हमारी सिद्धार्थ कपिलवस्तु में थी, और ये इसीलिए उन्हीं के नाम पे सिद्धार्थ नगर रखा गया ये। हाँ, और अगर कोई अगर पूछता है किसी से कि अगर सिद्धार्थ नगर में कुल कितने ब्लॉक हैं, अभी देखते हैं कि अभी सिद्धार्थ नगर के में बहुत ऐसे हैं कि जो सिद्धार्थ नगर में कुल कितने ब्लॉक हैं ये भी नहीं जानते होंगे। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि सिद्धार्थ नगर में कुल कितने ब्लॉक हैं। सिद्धार्थ नगर में कुल 14 ब्लॉक हैं। सिद्धार्थ नगर में कुल 14 ब्लॉक हैं जिसमें आते हैं खुनियाव, इटवा, तीसरा नंबर बढ़नी, चौथा नंबर बासी, पाँचवा नंबर सोहरतगढ़, छठवा नंबर खेसरहा और सातवां नंबर उसका, आठवां नंबर नौगढ़, नौवां नंबर भनमापुर और दसवां नंबर बर्डपुर। ये हो गए 10। और चार और जो बचे हैं वो हैं डुमरियागंज, और बारहवां नंबर है जोगिया, और तेरहवां नंबर है लोटन, और चौदहवां नंबर है मिठवल। ये हमारे सिद्धार्थ नगर के ब्लॉक हैं। और पिछले के अभी कोई पूछता है कि हमारे सिद्धार्थ नगर में कुल कितने तहसील हैं। तो हमारे सिद्धार्थ नगर में कुल 5 तहसील हैं। इटवा पहला नंबर, और दूसरा नंबर बासी, तीसरा नंबर सोहतगढ़, और चौथा नंबर डुमरियागंज, और पाँचवा नंबर नौगढ़। यही हमारे 5 तहसील है। अगर कोई देखता है कि अभी अगर कोई ये पूछता है कि अगर क्या नाम है, कि अगर बता दो आप भैया कि हमारे सिद्धार्थ नगर की सबसे माना जाना दार्शनिक स्थल, जैसे दार्शनिक स्थल मतलब क्या होता है कि जैसे जहाँ दर्शन लोग करने आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, विदेश के लोग आते हो, मुझे दार्शनिक स्थल कौन सा है। तो हम लोग क्या बताते हैं कि अरे कोई कभी कभी बताता है लेहड़ा है, कोई कभी बताता पाटन है। तो हमारे लेहड़ा या पाटन हमारे सिद्धार्थ नगर से बाहर है। तो अगर और ये भी है कि हमारे सिद्धार्थ नगर में सबसे माना जाना दार्शनिक स्थल हमारा पलटा देवी है। यहाँ बाहर के लोग भी आते हैं, नेपाल से वहाँ ज़्यादा दूरी है नहीं, वहाँ से भी लोग चले आते हैं वहाँ का दर्शन करने के लिए। इसीलिए हमारे सिद्धार्थ नगर का सबसे माना जाना दार्शनिक स्थल पलटा देवी है। और फिर आगे चलते हैं, अगर कोई पूछता है कि अगर हमारे सिद्धार्थ नगर में सबसे पर्यटक स्थल कौन सा है, हमारे सिद्धार्थ नगर का पर्यटक स्थल कौन सा है, मतलब पर्यटक माने होता है घूमने वाला स्थल, हमारे सिद्धार्थ नगर में घूमने वाला स्थल कौन सा है। तो बहुत लोग कहेंगे अरे कुछ और बता देते हैं, तो कुछ नौगढ़ बता देते हैं, कुछ कहीं बता देते हैं, लेकिन सिद्धार्थ नगर का घूमने वाला स्थल कपिलवस्तु सबसे अच्छा और सबसे सुंदर, और वहाँ बाहर के लोग भी आते हैं। हमारा कपिलवस्तु यहाँ नहीं, बहुत विदेशों में भी यहाँ की चर्चाएँ होती रहती हैं, विदेश के लोग भी वहाँ घूमने आते हैं।